मम्मा हमें भूख लग रही है। अच्छा ठीक है बेटा, आप दोनों अंदर जाओ, मैं आपके लिए दूध बना के लाती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मा, पर जल्दी लाना। अरे फ्रीज में तो दूध है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ। अरे मेरे पास तो ये है, फिर मुझे टेंशन लेने की क्या बात? चलो दूध का तो बंदोबस्त हो गया। तू यहां पर बैठी है? मैंने तुझे जादुई पेंसिल से घर के काम के लिए बनाया और तू यहां पे आराम कर रही है? चल उठ, ज्यादा होशियारी मत मार वरना सबको बोल दूंगी कि तेरे पास जादुई पेंसिल है, समझी? बढ़िया एक काम कराने वाली। अब मैं क्या करूं? भगवान जी प्लीज मेरी मदद करो, इस आफत से मेरा पीछा छुड़ाओ। ये तो अच्छा हुआ कि घर में किसी ने नहीं देखा, अगर कोई देख लेता तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती। भगवान जी प्लीज मेरी मदद करो। मैंने पहले ही कहा था जादुई पेंसिल का इस्तेमाल बेवजह मत करना। मुझसे गलती हो गई पर अब मैं क्या करूं? समय के साथ साथ तुझे सब पता चल जाएगा। पर मैं करूं क्या? अरे ये मेरी बुक में क्या ड्राइंग बनी हुई है? एक काम करती हूँ, इरेज कर देती हूँ। अरे फोन आ रहा है। अरे करिश्मा तूने मेरा लैपटॉप देखा क्या? मैंने यहीं पे रखा था पर अब मिल ही नहीं रहा है। नहीं तो? अच्छा कोई बात नहीं, मैं अंदर ढूंढता हूँ। अच्छा ठीक है आप अंदर देखो, मैं भी ढूंढती हूँ। मम्मा मेरी फ्रेंड का फोन आया, वो कह रही थी हमने जो गिफ्ट दिया वो चोरी हो गया। क्या? भाभी दो नींबू दो ना। नींबू? पर कल ही तो मैंने आपको कितने सारे नींबू दिए, वो सारे खत्म हो गए। पता नहीं भाभी, मैंने कल तो फ्रीज में ही रखे थे लेकिन मैंने अभी देखा तो वो थे ही नहीं, गायब हो गए। क्या? मैंने जो जो चीजें जादुई पेंसिल से बनाई वो गायब क्यों हो रही है? मैं अभी लाती हूँ। अरे रिद्धू बेटा ये आप क्या कर रहे हो? मैं देखो ना मेरी बुक में कैसी कैसी ड्राइंग बनी हुई है, बस उसे ही इरेज कर रही हूँ। तूने मेरा लैपटॉप देखा क्या? हमने जो गिफ्ट दिया वो चोरी हो गया। लेकिन मैंने अभी देखा तो वो थे ही नहीं, गायब हो गए। अच्छा तो ये बात है। अच्छा बेटा मुझे आपकी बुक दो ना, दो मिनट। हाँ मामा ये लो। मैं बस दो मिनट में लाई। ठीक है? ठीक है मामा। तू मेरी बात नहीं मान रही थी ना, अब तू देख। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? चलो फाइनली मुसीबत टली, शायद भगवान जी का यही इशारा था। चलो चाय बनाती हूँ अब, मुझे तो बहुत कंटाला आ रहा है। एक काम करती हूँ, देखते देखते लंच का टाइम हो गया और मैंने अब तक खाना ही नहीं बनाया, अब मैं क्या करूं?
खाना तैयार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी आराम से गुजरेगी। करिश्मा, तू दिन ब दिन आलसी होती जा रही है, तू बेवजह इस पेंसिल का इस्तेमाल मत कर। अरे अरे, तू जो भी कर रही है ना, बिल्कुल सही कर रही है। इस पेंसिल के आने के बाद तुझे कितना आराम मिला, तू तो आराम कर आराम। देख, भगवान जी ने जब तुझे ये पेंसिल दी थी ना, तब कहा था कि बेवजह इसका इस्तेमाल मत करना, पर तू क्या कर रही है? हाँ, ये बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है। अब से मैं इस पेंसिल का इस्तेमाल तभी करूंगी जब मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तब तक मैं इसे कहीं छिपा देती हूँ।